उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी है, जिसके लिए एक SIT टीम का गठन किया गया है। ये टीम उन मदरसों की जांच करेगी जिसे विदेशों से फंडिंग मिली है। इस दायरे में करीब 80 मदरसे बताए जा रहे हैं जिनकी जांच होगी। मदरसों की आय की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली SIT बना दी गई है। SIT की टीम बीते 2 सालों में मदरसों को विदेशों से आए चंदे की जांच करेगी। बताया जा रहा है इन मदरसों को अलग अलग देशों से करीब 100 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन अब SIT मदरसों द्वारा खर्च किए गए रुपए और उसकी अनियमितता को जांच करेगी। अभी यूपी में करीब 24,000 मदरसे चल रहे हैं। इसमें करीब 16,500 मदरसे यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड है। इसकी जाँच ATS के एडिशनल DG मोहन अग्रवाल को दी गयी है। उन्होंने बताया कि जांच की जाएगी फंडिंग मदरसे पर खर्च की गई है या फिर किसी अन्य गतिविधियों में। बता दें कि बीते साल योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर जिले के DM से अवैध मदरसों की जांच कराई थी, जिसमें करीब पूरे प्रदेश में 8,449 मदरसे ऐसे सामने आए थे जो मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा नहीं चलाए जा रहे थे। नेपाल से लगी सीमा के पास लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर और बहराइच में 1,000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सामने आए थे। माना जा रहा है कि इन इलाकों में बीते कुछ सालों में अवैध मदरसों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इन मदरसों में विदेश से फंडिंग आने का भी पता चला है, जिसके बाद अब सरकार ने SIT का गठन किया है।